नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल मूव फैक्ट में। दोस्तों, आपने 27 नवंबर 1998 में आई मूवी चाइना गेट को तो जरूर देखा होगा। इस मूवी का एक बेहद ही फेमस कैरेक्टर रहा है जिसका नाम है जगीरा, जो लोगों के दिलों पर आज भी राज करता है और इसके डायलॉग भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी मूवी के बिहाइंड द सीन को पूरी डिटेल के साथ दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस मूवी की बिहाइंड द इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे इस मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे इस मूवी के बिहाइंड द सीन को, और थर्ड पार्ट में हम दिखाएंगे आपको इस मूवी को किस रियल लोकेशन पर शूट किया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। नंबर 1, इस मूवी का बजट था 20 करोड़ रुपए और यह 1998 की सबसे ज्यादा बजट वाली इंडियन मूवी थी। और इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 18 करोड़ 29 लाख रुपए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह मूवी इसके बजट को भी ठीक से क्रॉस नहीं कर पाई और यह बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। ये तो जगीरा भाई के हिसाब से आज भी इस मूवी को याद किया जाता है क्योंकि उनके डायलॉग भी अतरंगे हैं। लोमड़ी का दूध पी के पला है जगीरा, तो भाई इनके डायलॉग आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इस हिसाब से इस मूवी को आज भी याद किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, जहां पर आप एक सीन को शूट होता हुआ देख सकते हो। दरअसल यह सीन उस वक्त का है जब परेश रावल की इस मूवी के अंदर इंस्पेक्टर बारेट के रूप में एंट्री होती है और इंस्पेक्टर बारेट फौजियों के पास आकर जो इस मूवी का मेन विलन होता है जगीरा, उसके पक्ष में कुछ बात बोल देते हैं जिसकी वजह से सारे फौजी गुस्सा होकर इंस्पेक्टर बारेट की तरफ बढ़ते हैं। तब इंस्पेक्टर बारेट अपने कदम पीछे लेता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। तो उस वाले सीन की बिहाइंड द सीन को आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसे किस प्रकार शूट किया जा रहा है। इस वाले सीन को ट्रैक एंड क्रेन दोनों कैमरा एंगल से शूट किया गया था। और मूवी के अंदर जो हमें देवदुर्ग नाम का गांव दिखाया गया था, यह रियल में एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि इसका पूरा सेट बनाया गया था। और जब इस गांव का पूरा सेट बनाया जा रहा था, उसके बिहाइंड द सीन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस प्रकार उस गांव के सेट को तैयार किया जा रहा है। और दोस्तों, जब मैंने इस मूवी को पहली बार देखा था तो मेरे को लगा था कि यह देवदुर्ग नाम का गांव रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाद में पता चला कि यह गांव तो पूरी तरीके से एक सेट था। दोस्तों, जब आपने इस मूवी को पहली बार देखा था तो आपको ये गांव रियल लगा था या आर्टिफिशियल, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी, इसकी शूटिंग के लिए लगभग 60 घोड़ों को हायर किया गया था। आपने देखा होगा कि इस मूवी के अंदर जगीरा की जितनी भी फौज इस मूवी के अंदर हमें दिखाई गई थी वो घोड़ों पर आती थी और घोड़ों से ही जाती थी। तो ऑफकोर्स इस मूवी के लिए घोड़ों की जरूरत पड़ी होगी, तो उसी वजह से यहाँ पर 60 घोड़ों को हायर किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड और लास्ट पार्ट की तरफ। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बोला था कि हम आपको इस मूवी की रियल शूटिंग लोकेशन को दिखाएंगे, तो दोस्तों इस मूवी की जो शूटिंग लोकेशन है वह है गंगावती, जो कर्नाटक के अंदर मौजूद है। इस मूवी की 90% शूटिंग गंगावती के अंदर हुई है और इस गंगावती से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर इस गांव के सेट को बनाया गया था। जो मूवी के अंदर हमें देवदुर्ग गांव दिखाया गया था उसे इस पहाड़ी इलाके में बनाया गया था, और किस जगह पर बनाया गया था उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी आप स्क्रीन पर जो लोकेशन देख रहे हो इसी पर उस गांव वाले सेट को तैयार किया गया था। और अभी जो आप सेकंड लोकेशन देख रहे हो यह उस वक्त की है जब क्लाइमेक्स से पहले हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर सरफराज को जगीरा धोखे से बुला लेता है मारने के लिए। तो यह उसी जगह का लोकेशन है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर मैच कर सकते हो। अभी आप जो बड़े से पत्थर को देख रहे हो यह मूवी के उस सीन के अंदर दिखाया जाता है जब फौजियों एंड जगीरा का पहली बार आमना सामना होता है, तभी जगीरा इन दोनों पत्थरों के बीच से आता हुआ हमें दिखाया जाता है। तो आप यहां पर इस लोकेशन को भी मैच कर सकते हो। दोस्तों, आपको चाइना गेट मूवी की ये बिहाइंड द सीन एंड इस मूवी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग आगे भी ऐसी मूवी बिहाइंड द सीन से रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप हमारे इस चैनल मूव फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोगों में से कोई उम्मीदवार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो ये यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप इसे जाकर सर्च करके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय अगेन, सी यू।